भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह द्वारा अपने परिवार सहित सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेका। नमस्तक होने के बाद हरभजन सिंह द्वारा इलाही बाड़ी का कीर्तन सुना गया। हरभजन सिंह ने कहा कि मैं अमृतसर में कई बार आया हूं, लेकिन माथा टेकने का सौभाग्य आज ही उनको मिला है। हरमिंदर साहिब में नमस्तक होने के दौरान हरभजन सिंह द्वारा सरबत के भले की अरदास की गई है। अमृतसर से सोनू सोड़ी की रिपोर्ट। हाँ जी, मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता अपने आप नूं कि मैनू बाबा जी के चरणों के अज मत्था टेकन का मौका मिलिया। मैं अमृतसर कई बार आना, पर जो कहते हैं ना कि बुलावा आंदा दर्शन उदों ही होंगे, तो अज महाराज की कृपा सदका मैनू मौका मिलिया, मैं परिवार समेत इतने आके दर्शन कर सकिया। तो बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हाँ, और बस बाबा जी ने यही बेनती करके जा रहे हैं कि सरबत के भले की बेनती। देखो जी, जिंदगी दे विच महाराज ने हर ऐसी बुलंदी ते पहुँचाया जिथे तक शायद कभी सोचा नहीं सी, पर जो सुकून मन नू आके इत्थे मिलदा वो शायद ही किते होर मिलदा, क्योंकि ये रब दा घर और इत्थे जिन्ना प्यार जिन्ना मैं कहना कि खिचाव इत्थे आके मिलदा, अपने आप नू तसल्ली जिहड़ी इत्थे आके मिलदी वो जिंदगी दी कोई भी चीज़ हासिल करके नहीं मिलदी। तो ये जिहड़ी खुशी है, ये खुशी सब तो वड्डी खुशी है कि गुरु महाराज के चरणों के मत्था टेकना, आशीर्वाद लेना, मेरे लिए मैं अपने आप समझता कि बहुत मैं किस्मत वाला कि मैनू मौका मिलता कि मैं महाराज के चरणों च आके मत्था टेकदा, अरदास बेनती करिए सरबत दे भले की। लोगों यही कहोंगे कि इत्थे आके अरदास करो, बेनती करो महाराज के अगे बाबा जी के अगे कि लहर जिहड़ी है ये ज़्यादा नुकसान ना करके जाए, और ओबियसली सानू भी थोड़ा जा सारिया नू ये मन के चलना पैना कि सेहत तंदुरुस्ती सारिया दी नाल देख के चलनी पैनी है। जिहड़े प्रोटोकॉल ने वो जरूर फॉलो करो, चाहे वह मास्क पाउण दे होण या फिर हाथ सैनिटाइज़ करन दे या जो भी गाइडलाइनज़ आणगे उन्हां नू जरूर असीं फॉलो करांगे, और गुरु महाराज के चरणों च अगर बेनती करांगे तो मैं लगता है कि करोना वो नुकसान नहीं करके जाएगा जी। 2019 नहीं जी, मेरा हाले कोई विचार नहीं है राजनीति लैके, और स्पैशली अगर मैं कहाँ तो पंजाब की राजनीति लैके मेरा कोई विचार नहीं है। अगे अगर गुरु महाराज ने इस पास जोड़िया, क्योंकि मैं जो हाँ मैं इन्हां दी बदौलत है गुरु महाराज की सदका हाँ, मैं क्रिकेटर भी बनया तो मैनू नहीं पता सी कि मैं क्रिकेटर बनना, जो उपर वाले ने उन्हें वाहेगुरु ने लिख के भेजा उन्हें करवाना उन्हें अपने आप करवा लेना, और जे उहदी मर्जी हुई 2022 दे विच या 2024 दे विच या फिर अगे जिधर दी उहदी उन्हां दी मर्जी हुई उन्होंने उधर लगा देना। मैं तो अपना सारा ध्यान उन्हां उत्ते सुट के बैठदा कि जिधर वो तुसीं लगाओगे बिल्कुल ठीक होएगा।